गुलाब बहुत सुंदर फूल है। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। उसमें बहुत बड़ी लाल मुलायम और वक्राकार पंखुड़ियाँ हैं। गुलाब फूल हर किसी के दिमाग पर कोमल प्रभाव डालता है। वह व्यक्तियों के बीच प्यार और स्नेह का निदर्शन चिन्ह है। गुलाब का फूल एक ऐसी औषधि है जो कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल की जाती है। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल तैयार किया जाता है। गुलाब जल आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा परफ्यूम जो गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद भी तैयार किया जाता है। गुलाब फूल सुंदर है, लेकिन इनकी शाखाओं पर कांटों का अपाय है। हमको उन्हें छूने में और उन्हें तोड़ने में सावधानी उठानी पड़ती है। प्रसिद्ध व्यक्तियों या भगवान पर मालार्पण करने के लिए विवाह और परिवार के विभिन्न कार्यों में और प्रार्थना के दौरान गुलाबों का उपयोग किया जाता है। इसका पौधा ऊंचाई में 4 से 6 फुट का होता है। गुलाब फूल शांति के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू जैसे महान नेताओं ने पसंद किया। जब गुलाब के पौधे पर फूल लगने लगते हैं तो भौरे और तितलियाँ इसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। गुलाब की सुंदरता सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा लोग अपने चाहने वालों को गुलाब का फूल देकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं। गुलाब का तना हमेशा जड़ से लेकर ऊपर तक कांटों और फूलों से भरा रहता है, फिर भी यह सबके चेहरों को महकाने वाला होता है। यह सभी को पसंद होता है। हमें इस फूल से एक अच्छी शिक्षा मिलती है कि यह इतने कांटों के बावजूद भी हमेशा खिला रहता है, मुस्कराता रहता है। यह अपना बलिदान देकर दूसरों को खुश रखता है। हम लोग थोड़े से दुख तकलीफ में भी बड़े उदास हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। यह हमसे नहीं हो पाएगा, किंतु यह फूल लाखों कांटों को समेटे हुए भी हमेशा खिले रहते हैं। जबकि हम लोग इन्हीं सुंदर फूलों को तोड़कर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, किंतु यह फिर भी खिले रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके भी हमें बता दो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।